नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें भेजी है सागर जी ने। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आज की वीडियो स्पॉन्सर की है ट्रू ट्रेंड्स हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल ने। वह भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनके चैनल पर भी जाकर उनकी कहानियां भी सुन सकते हैं। अब मैं आप सभी को कहानी सागर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सागर है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं रांची झारखंड का रहने वाला एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, पर मैं थोड़ा शौकीन किस्म का था। माँ बाप का इकलौता बेटा, इसलिए घर से पूरी आज़ादी भी मिली हुई थी मुझे। आज मेरी उम्र 31 साल है और ये बात आज से कुछ 5 साल पहले की है। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मुझे तरह तरह की तस्वीरें खींचना बेहद पसंद था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई अच्छा सा कोर्स कर लूं फोटोग्राफी का, जिससे कि मैं और अच्छे से तस्वीर खींच सकूं। इसलिए मैंने रांची के ही एक फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लिया। वहां एक से बढ़कर एक महारती लोग पहले से थे जो बहुत अच्छे थे अपने कामों में। उन्हीं में से एक थी रजनी, जो देखने में बला की खूबसूरत थी और अपने काम में भी बेहतरीन थी। सभी उसे बेहद पसंद करते थे उसके खुश मिजाज स्वभाव की वजह से। एक दिन हमारे इंस्टीट्यूट से हम सभी को दो दो के टीम में बांट दिया गया और हम सभी को एक एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, जिसमें हमें गांव की तस्वीरें खींचना था और उसे एक कहानी के रूप में पेश करना था और गांव के हर एक चीज के बारे में बताना था अपने तस्वीरों के माध्यम से। इत्तेफाक कहूँ या किस्मत, पर मैं और रजनी एक ही टीम में थे और हम दोनों को एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना था और इस काम के लिए हम सभी को 15-15 दिन का समय दिया गया था। इसलिए मैंने और रजनी ने मिलकर यह सोचा कि क्यों ना हम दोनों एक गांव में जाकर वहां कुछ दिन रहकर अपना काम एकदम बेहतरीन तरीके से करें। इसलिए हम दोनों ने रांची से कुछ 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव जिसका नाम धमनी था, जहां कार से पहुंचने में हमें करीब 6-7 घंटे का समय लगेगा, हमने वहां जाने का फैसला किया और अगले ही दिन हम वहां के लिए निकल गए। गांव के सरपंच ने हमारे रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया था। मैं तो बहुत खुश था कि मुझे रजनी के साथ प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों इतना वक्त साथ बिताएंगे। रजनी थी ही ऐसी कि कोई भी अपना दिल उसके आगे हार जाए। दोपहर के कुछ 2 बजे तक हम गांव पहुंच चुके थे और फ्रेश होकर हम दोनों अपना अपना कैमरा निकालकर अपने काम के लिए निकल पड़े। हमने गांव घूमना शुरू किया तो हमने देखा यहाँ तालाब, पहाड़, तरह तरह के झोपड़े, घर, सब कुछ है। हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि वाह, यहाँ तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी और हम अपने तस्वीरों के द्वारा एक अच्छी सी कहानी भी तैयार कर लेंगे। हमने कुछ फोटोज़ ली, पर सुबह के निकले हम कुछ थक गए थे, इसलिए हमने वापस घर जाकर आराम करने का सोचा और अगले दिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय की गांव के तस्वीर लेने का सोचा। थक कर जब हम वापस कमरे में पहुंचे तो रजनी ने मेरी खिंची हुई तस्वीरों को देखते हुए कहा, वाह सागर, तुम तो काफी खूबसूरत तस्वीर लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा, पर खूबसूरत तो तुम हो रजनी, ये तस्वीर नहीं। और अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो, रजनी ने कहा। रजनी, मुझे लगता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम्हारी हर चीज मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ये खूबसूरत होठ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ रजनी। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो सागर, पर हम दोनों दोस्त हैं, रजनी ने कहा। नहीं रजनी, मैं तुम्हें दोस्त से बहुत ज्यादा मानने लगा हूँ, कहते ही मेरी आंखें थोड़ी नम सी हो गई
और मैंने रजनी को गले से लगा लिया। रजनी ने भी मुझको रोका नहीं। धीरे धीरे मैंने उसके खूबसूरत होठों को अपने होठों में लेकर आपस की सारी दीवारें दूर कर दी और हम एक हो गए। रजनी को मैंने जीवन का हर सुख और हमेशा साथ देने का वादा किया। रजनी भी बहुत खुश और भावुक थी, उसे भी मुझसे प्यार था। मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत रात के बाद सुबह सूर्य उदय के वक्त मेरी नींद ही नहीं खुली, इसलिए हम दोनों ने शाम के वक्त सूर्यास्त के समय की तस्वीरें लेने की सोची। शाम के करीब 4 बजे हम दोनों अपने अपने कैमरे के साथ निकल पड़े। हमने बहुत सारी तस्वीरें ली। गांव की पहाड़ी पर चढ़कर कुछ ऊंचाई से अच्छे अच्छे नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। पहाड़ी के ऊंचाई से गांव काफ़ी अच्छा दिख रहा था। झोपड़े और हरे भरे पेड़ दूर खुले आसमान के नीचे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। नज़ारा इतना अच्छा था कि मैंने और रजनी ने कुछ देर वहीं पहाड़ी में ही बिताने का सोचा। थोड़ी देर वहाँ खामोशी में बैठने के बाद हमने देखा पूरी शाम हो रही है और हमें अब वापस घर की ओर भी निकलना चाहिए। तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे। हमें थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग रही थी। फिर हमने उसी पहाड़ी पर देखा एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके आगे एक आदमी खड़ा है जो हमारी ओर ही देख रहा है। हमने सोचा क्यों ना उससे थोड़ा सा पानी मांगकर पी लें। हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े तो देखा उस झोपड़े में वो अकेला है और उसका झोपड़ा बिल्कुल खाली है। बस एक पानी का घड़ा था उसके झोपड़े में। वो आदमी थोड़ा अलग सा ही दिख रहा था। मैंने और रजनी ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और उसे धन्यवाद कर हम जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगे तो उस आदमी ने हमारी ओर एक अलग ही निगाह से देखा और मुस्कुराने लगा। हमें उसका मुस्कुराना थोड़ा अजीब तो लगा, पर हमने भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ने लगे। आगे कुछ कदम ही चले होंगे हम कि मैंने देखा रजनी बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक मैं भी बेहोश हो गया। अगली सुबह करीब 4 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मैं झोपड़े के बाहर पहाड़ी पर सो रहा हूँ। मैं बिल्कुल घबरा सा गया। मैं तुरंत रजनी को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना झोपड़े में जाकर देखूं। मैंने जैसे ही उस झोपड़े का दरवाजा खोला तो देखा उस झोपड़े में एक बिस्तर है जिसमें रजनी सो रही है। उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे और उसके शरीर में कुछ अजीब अजीब दांतों के निशान थे। मैं रजनी की हालत देखते ही बिल्कुल घबरा सा गया। मैं जोर जोर से चीखने लगा, रजनी उठो, क्या हुआ है तुम्हें? रजनी की आंखें खुली, उसने मुझे देखते ही जोर से धक्का मार दिया। मैं सीधे जमीन में जा गिरा। वो जोर जोर से रोने लगी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? रजनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हैवान हो सागर, मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले? मैं भी तो तुमसे प्यार करने लगी थी, तुम्हें पसंद करती थी। परसों रात ही मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था, फिर कल तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सागर, क्यों? और रजनी जोर जोर से रोने लगी। पर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है रजनी, तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें अपने जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। बस करो सागर, अब बस भी करो। कल रात ही मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। तुम एक बलात्कारी हो, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तुमने मेरा रेप किया है। मैं तुम्हें अब कभी माफ नहीं करूँगी, सागर चीखते हुए बोलता है। ये क्या कह रही हो तुम रजनी, अब बस भी करो, ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाओ, मैं जी नहीं पाऊँगा। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें चाहा है। अभी जब मेरी आँखें खुली तो मैं बाहर पहाड़ी पे सो रहा था। तुम्हें इधर उधर ढूंढने लगा तो तुम मुझे यहाँ इस झोपड़ी के अंदर इस बिस्तर में बिना कपड़ों के मिली। तुम यहाँ कैसे आई इस बिस्तर में? और कल रात तक तो इस झोपड़े में बस एक पानी का घड़ा था और कुछ भी नहीं, फिर अचानक से ये बिस्तर कहाँ से आ गया? रजनी कुछ पल तक खामोश खड़ी रही। उसने अपना शरीर बिस्तर पर पड़े चादर से ढकते हुए कहा, हाँ कल रात तो यहाँ कोई बिस्तर और कोई खाट कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से ये कहाँ से आ गया? पर सागर, इस बिस्तर पर उठाकर तुम ही मुझे लाए हो। मुझे हल्का हल्का होश था,
तुम मुझे बाहर पहाड़ी से उठाकर इस झोपड़े के अंदर लाए। तुमसे एक बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुमने सालों से नहाया नहीं है। फिर जब मैंने कहा उतारो मुझे, तो तुमने मुझे नीचे पटक दिया। मुझे तो लगा मैं गिर ही गई जमीन पर मैं इस बिस्तर पर गिरी और फिर तुम जल्दी जल्दी मेरे कपड़े फाड़ने लगे। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर तुम जानवरों की तरह मुझे सूंघे जा रहे थे। फिर जब मैंने तुम्हें खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की, तो तुमने मुझे अपने दांतों से जोर से काट लिया और मैं बेहोश हो गई। और फिर अभी तुम्हारी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मुझे तुमसे नफरत हो रही है सागर, तो चले जाओ मेरे नज़रों से दूर। रजनी प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता। ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कल तक कुछ और ही दिख रहा था और आज अलग ही रूप है इस झोपड़े का। मुझे लगता है पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाकी बातें हम घर चलकर करते हैं। रजनी को मैंने अपना शर्ट उतार कर दिया क्योंकि उसके सारे कपड़े फटे हुए पड़े थे वहाँ। उसने वो शर्ट पहनी और हम वहाँ से निकल गए। कुछ 10 मिनट चलने के बाद हम घर पहुँच चुके थे। वहाँ सरपंच जी बाहर आंगन में सो रहे थे। हम जैसे ही अंदर अपने कमरे में जाने लगे, सरपंच जी ने कहा, कहाँ थे आप लोग पूरी रात? हम आप दोनों को ढूंढ रहे थे, पर आप हमें कहीं मिले ही नहीं। फिर हमें लगा कि आप अपना सामान यहीं छोड़ किसी जरूरी काम के लिए वापस शहर चले गए हो और एक दो दिन में वापस आओगे, पर आप दोनों तो ना जाने इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो। रजनी एकदम से रोने लगी। क्या हुआ रजनी जी, आप रो क्यों रही हैं? और ये सागर भाई का शर्ट आपने क्यों पहना है? सरपंच ने कहा। रजनी ने सारी बातें सरपंच जी को बताना शुरू किया कि कैसे हम दोनों पहाड़ी पर गए, वहाँ उस झोपड़े वाले आदमी से हमने पानी मांगकर पिया था। इतना सुनते ही सरपंच जी ने अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए और हनुमान चालीसा बोलने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने तुरंत सरपंच जी को देखते हुए कहा, क्या हुआ सरपंच जी, आप हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने लगे और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सरपंच जी ने घबराते हुए कहा, हनुमान चालीसा ना बोलूं तो क्या बोलूं? और जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपके भी पसीने ही निकलेंगे। पर आप शहर वालों के साथ जब तक कुछ होता नहीं है ना, तब तक आप हम गांव वालों की बातों पर यकीन ही नहीं करते हो। ऐसा नहीं है सरपंच जी, क्या बात है, आप हमें बताइए तो। रजनी ने कहा, आप जिस झोपड़े और आदमी की बात कर रहे हो ना, वो कोई मामूली झोपड़ा नहीं है, वो जिन्नात का घर है। और उस झोपड़े में कोई आदमी नहीं, जिन्नात रहता है, जिन्नात। और आप दोनों तो जिन्नात के घर अपनी प्यास बुझा कर आए हो, अब ना जाने जिन्नात क्या करेगा। वो एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्नात है, भैरूपिया है वो। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, उसे अपार शक्ति प्राप्त है, सरपंच ने कहा। पर आपने तो हमें मना नहीं किया था वहां जाने से, रजनी ने कहा। आप दोनों को मैं मना करता तो क्या आप मानते मेरी बात? आप शहर वालों को तो भूत जिन्नातों पर विश्वास ही नहीं होता है, आप वहां क्यों चले गए? हे भगवान, उस पहाड़ी में हम गांव वाले कभी नहीं जाते हैं, जो भी वहां गया वो कभी जिंदा नहीं बचता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों बच कैसे गए? उस जिन्नात ने आप लोगों के साथ कुछ किया नहीं? सरपंच ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं किया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और अभी कुछ वक्त में ही हम दोनों फ्रेश होकर वापस शहर चले जाएंगे, मैंने कहा। मैं नहा धोकर कमरे से निकला। मैंने रजनी को कहा, तुम अपना सामान पैक करो, मैं कार लेकर आता हूँ आधे घंटे में। सरपंच जी, आप जरा कुछ चाय वगैरह दे दीजिए ना रजनी को, उसका सर दर्द हो रहा है, मैं कार लेकर अभी आता हूँ। इतना कहकर मैं कार लेने चला गया। जब कुछ 20-30 मिनट बाद मैं वापस आया तो मैंने देखा चाय का कप नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और सरपंच जी नीचे बेहोश पड़े हैं। मैंने पानी की कुछ बूंदे सरपंच जी के चेहरे पर मारी, उन्हें होश आया। आप यहाँ जमीन पर कैसे? सरपंच जी, आप बेहोश कैसे हो गए? मैंने पूछा। पता नहीं सागर भाई, मैं बेहोश कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला मुझे, मैं तो चाय देने रजनी के कमरे में ही जा रहा था, सरपंच ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं सरपंच जी, आप जाकर आराम करें,
हम अब निकलेंगे शहर के लिए। इतना कहते ही मैं रजनी के कमरे में गया। रजनी की हालत देखते ही मैं चीख पड़ा। फिर से रजनी वैसी ही हालत में पड़ी थी, नग्न अवस्था में। उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे और पूरे शरीर में भयानक दांतों के निशान थे। मेरा चीख सुनते ही सरपंच जी भी कमरे में आ गए और रजनी भी उठ गई। रजनी उठते के साथ रोने लगती है। उसने मुझसे कहा, इस सरपंच ने मेरी इज्जत लूट ली है और इसने मुझसे यह भी कहा कि मैं तुम्हें इस गांव से कभी भी जाने नहीं दूंगा, और यह मुझे जानवरों की तरह नोच रहा था, मेरे शरीर को सूंघ रहा था। क्या कह रही हैं आप रजनी जी? आप मेरी बेटी की उम्र की हो, आपके साथ ऐसा करने की मैं सपने में भी सोच नहीं सकता, सरपंच ने कहा। फिर तुरंत मैंने भी कहा, हाँ रजनी, जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा सरपंच जी कमरे के बाहर बेहोश पड़े थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? रजनी ने रोते रोते पूछा। मैंने सारी बातें सरपंच जी को बता दी कि आज सुबह रजनी यह सारे इल्जाम मुझ पर लगा रही थी और अभी आप पर। आखिर यह सब हो क्या रहा है? कौन कर रहा है इसके साथ यह सब और क्यों? और यह इतने दर्दनाक निशान रजनी के शरीर और आत्मा को कौन दे रहा है? जिन्नात, वो भैरूपिया जिन्नात, वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कहा था ना, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वही रजनी के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है और रजनी जी शायद उसे पसंद आ गई हैं, इसलिए वो इन्हें मार नहीं रहा, बस इन्हें भोग रहा है। और जैसा कि उस जिन्नात ने रजनी से कहा कि वो अब इन्हें इस गांव से कभी नहीं जाने देगा, तो वो अब आप लोगों को सही में यहाँ इस गांव से कभी भी जाने नहीं देगा। रजनी सरपंच जी की बात सुनकर रोने लगती है। मेरा भी शरीर डर के मारे पसीने से भीग जाता है, पर कोई तो रास्ता या उपाय या पूजा पाठ कुछ तो होगा ना, जिससे हम इस जिन्नात से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने सरपंच जी से पूछा। जिन्नात से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है सागर भाई। इस भैरूपिया जिन्नात ने पहले भी ऐसे ही कुछ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, और जिसने भी इससे छुटकारा पाने की कोशिश की है सब ने अपनी जान गंवाई है। पर इस जिन्नात ने अभी तक रजनी को नहीं मारा है और आपको भी जिंदा छोड़ दिया है, कुछ तो बात है आप लोगों में, सरपंच जी ने कहा। जी सरपंच जी, बात क्या है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं रजनी से बेहद प्यार करता हूँ और किसी जिन्नात के हाथों मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता। आप मुझे बस उपाय बताइए कि मैं कैसे उस जिन्नात से अपनी रजनी को छुटकारा दिला सकूँ। सागर जी, मुझे लगता है आपका प्यार ही अब ऊपर वाले का सहारा है जो अब रजनी को उस भैरूपिया जिन्नात से बचा सकता है। आप बस अब दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए रजनी के सामने, और रजनी के तकिया के नीचे भगवान जी का फोटो रख दीजिए। मैं इधर हवन की तैयारी करवाता हूँ, सरपंच जी इतना कहते हुए मंदिर की ओर निकल पड़े। इधर मैंने बजरंग बली का नाम लेते हुए जय श्री राम जय हनुमान पूरे घर में घी के दिए जलाना शुरू किए। मेरी माँ ने मुझे एक बजरंग बली का लॉकेट पहनाया था बचपन में, जो आज भी मेरे गले में था। वो जल्दी से खोलकर मैंने रजनी को पहना दिया। रजनी थकी और जख्मी हालत से बिस्तर पर लेटी ही थी। इधर जब मैंने कुछ 10-12 दिए जलाए ही होंगे, तब एक तेज हवा का झोंका आया जिससे सारे दिए बुझ गए। मैं फिर से दिए जलाने लगा, तभी एक हवा के झोंके के साथ एक काला साया प्रकट हुआ जिसने मुझे हवा में उठा लिया। मैं चीखने लगा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तभी वो काला साया एक भयानक रूप में प्रकट हुआ और मुझे हवा से जमीन में पटक दिया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। उस जिन्नात का इतना भयानक रूप था कि जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाता। दोस्तों, मैं आप सभी को उस जिन्नात का रूप किस लफ्ज़ों में बताऊँ मैं खुद नहीं जानता। वह दृश्य मेरी आँखों के लिए इतना भयानक था और मेरे लिए इतना दर्दनाक कि मैं आज तक उस जिन्नात का वह असली रूप देखकर सहम गया हूँ। मैं डर से बेहाल हो रहा था, मेरे पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। फिर अचानक ही मैंने देखा वो जिन्नात रजनी के सामने कमरे की ओर बढ़ रहा है। मैंने चीखते हुए उसे रोका, ए जिन्नात, रुक जा तू यहाँ,
दम है तो मुझसे सामना कर। जिन्नात मेरी ओर आने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। मैं बस जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहलोक उजागर। जिन्नात चीखते हुए मेरी ओर बढ़ते जा रहा था। मैं जल्दी से उठकर घर के मंदिर की ओर भागा और मंदिर में रखे भस्म को उठाकर जिन्नात की ओर फेंक दिया। जिन्नात कुछ पल के लिए पुतले की तरह यहीं जम गया। फिर मैंने मंदिर से देवी माँ के चरणों से कुछ फूल और सिंदूर उठाए और रजनी के कमरे की ओर भागने लगा। तब तक मैंने देखा सरपंच जी भी आ चुके थे और उनके साथ दो पंडित भी आए हुए थे। सभी जिन्नात को देखते ही घबराने लगे, पर उसका स्थिर रूप देखकर उनमें थोड़ी हिम्मत आई। वे लोग जल्दी जल्दी हवन की तैयारी करने लगे। जोर जोर से मंत्रों का जाप होने लगा। पंडितों ने हवन के चारों ओर एक कवच बना दिया था, जिससे वह जिन्नात उस कवच को पार ना कर सके। इधर मैं रजनी के कमरे में आ चुका था। मैंने रजनी के माथे पर छोटा सा टीका लगाया देवी माँ के चरणों के सिंदूर से और उसे उठाकर उस हवन कवच के अंदर ले गया। जिन्नात अब अपनी शक्तियों में वापस आ रहा था। घर का वातावरण बिल्कुल भयानक सा हो रहा था। सभी डर के मारे कांप रहे थे। जिन्नात जोर जोर से फूंक कर हवन की अग्नि को बुझाने की कोशिश करने लगा। रजनी ने डर के मारे मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और वो जिन्नात की ओर देखते हुए जोर जोर से बोलने लगी, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम मुझे अब कभी पा नहीं सकते। जिन्नात एक भयानक हंसी के साथ हंसने लगा और बोला, तुम्हें मैं अब अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, तुम मेरे साथ मेरे झोपड़े में रहोगी। खामोश जिन्नात खामोश, तुम अब मेरी रजनी को छू भी नहीं सकते, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और मैंने देवी माँ के चरणों की सिंदूर रजनी के मांग में भर दी और जिन्नात की ओर फिर से भस्म फेंकने लगा। भस्म के साथ कुछ सिंदूर के अंश भी थे उसमें, जिसके चलते जिन्नात का शरीर जलने लगा। यह देखकर हम सब ने जिन्नात की ओर सिंदूर फेंका और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। कुछ पल बाद हवन भी पूरा हो गया और हवन में आए पंडित जी ने हमें बताया कि कुछ साल पहले इस जिन्नात ने एक सुहागन औरत की इज्जत ली थी उसके पति के रूप में आकर। तब उस औरत ने इस भैरूपिया जिन्नात से कहा था, एक दिन तुम्हारा अंत किसी सुहागन के पति के हाथों ही होगा। और आज जैसे कि हमने देखा सागर जी ने कैसे रजनी की मांग भरकर उन्हें सुहागन बना दिया और उस सिंदूर से जलकर कैसे आज ये जिन्नात खत्म हो गया। अगले दिन मैं और रजनी अब गांव छोड़कर जाने लगे। सरपंच जी और बाकी सभी गांव वाले वहां आ गए और हमें धन्यवाद करने लगे कि आप लोगों की वजह से गाँव की इतनी बड़ी मुसीबत अब खत्म हो गई है और हमारा ये गांव भैरूपिया जिन्नात के कहर से आज़ाद हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानी मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।